अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जी, मैंगो सीजन में इन है और आजकल बड़े ही डिमांड में है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैंगो की एक और रेसिपी हो जाए। याद है ना बचपन में खोए वाली कुल्फी, मैंगो वाली कुल्फी खाया करते थे तो कितना मज़ा आता था, है ना? तो ना आज हम मैंगो वाली कुल्फी बनाएंगे भी और खाएंगे भी। और सबसे मज़े की बात यह है, ये कुल्फी बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स, और ये चीज़ें आपके घर से ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी, इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और इस रेसिपी का लिंक अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना है जिसके साथ ना आप बचपन में खोए वाली कुल्फी या फिर मैंगो वाली कुल्फी खाया करते थे। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा। बेल दबा के घंटी बजा के बाद मत जाना। स्टिक विद मी एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। तो जी, कुल्फी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली थी एक काली बट चमकदार सी कढ़ाई, इसमें डाल दिया था मैंने दूध। मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 कप दूध यूज़ किया था और ये खुला दूध है, फुल ऑफ फैट है। इसको रख देंगे बॉयल होने के लिए। जब तक मिल्क बॉयल होता है हम लोग कस्टर्ड की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने लिया था एक प्यारा सा चुनु मुनु सा बाउल। बाउल में निकाल लिया था 2 टेबल स्पून मैंगो कस्टर्ड और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया था, ऑलमोस्ट 1/3 कप पानी ऐड किया था। पानी ऐड करने के बाद इसकी अच्छे से कर लेंगे मिक्सी। तो जी, मिक्सिंग इज़ डन एंड यू कैन सी दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी इसमें ऐड करेंगे जी रेडी किया हुआ कस्टर्ड वाला मिक्सचर। इसको एकदम से नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ साथ मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना बने। और इसके बाद जाएगा इसमें कंडेंस्ड मिल्क। मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क ऐड किया था। अच्छा, इसकी रेसिपी बहुत ही दी है, मैं लिंक दे दूँगी आई बटन में। अभी हम इसको मीडियम मीडियम लो फ्लेम पे मुसलसल चम्मच हिलाते हुए कुक करेंगे ताकि इसमें ना तो लम्स पड़े और इसका कच्चापन भी अच्छे से दूर हो जाए। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं एंड यू कैन सी कस्टर्ड रेडी हो चुका है। तो इसको अभी रख देंगे साइड पर और ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर ले के आएंगे एंड नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप। अभी हम लेंगे जी 2 अदद मैंगो। मैंगो को मैंने पील ऑफ करने के बाद इसको चुनु मुनु से पीसेस में कर लिया था कट और डाल दिया था ब्लेंडर जग में। और कस्टर्ड भी ठंडा हो चुका है, उसको भी ऐसे ही ब्लेंडर जग में डाल दूंगी। दोनों चीज़ों को ब्लेंडर में डालने के बाद इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। मैंने तकरीबन इसको फुल स्पीड पर 1 मिनट के लिए ब्लेंड किया था, फिर इसको ओपन किया और इसमें डाली क्रीम। ये तकरीबन 1/2 कप के करीब क्रीम है और एकदम चिल्ड है। इसको डालने के बाद अगेन से इसको अब ब्लेंड करेंगे। तो यू कैन सी इसका टेक्सचर चेक करें, बहुत क्रीमी और बहुत स्मूथ हो चुका है। अभी इसके बाद लेंगे हम लोग कुल्फी वाला मोल्ड और उसमें 1 बाय 1 ये सारा मिक्सचर डालते जाएंगे। तो सारा मिक्सचर मैंने डाल दिया आइसक्रीम मोल्ड के अंदर। अभी इसको हम लोग फ्रिज में रख देंगे 7 से 8 घंटे के लिए या फिर 1 रात के लिए। मैंने ना 1 रात के लिए रखा था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने इनको चेक किया, ये अच्छे से रेडी हो चुकी थी। फिर इनको मैंने निकाला, यू कैन सी ये कितनी मज़े की लग रही हैं, कितनी यमी हैं, कितनी हसीन हैं, है ना हसीन, है ना यमी। तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। वेल, आपको मैं ये बताने वाली थी कि ये मोल्ड बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा। आई डोंट नो मुझे यूज़ करना नहीं आया या फिर क्या सीन है, निकालते वक्त मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ी। दिखने में भी अच्छी लग रही है, ट्रस्ट में टेस्ट भी बहुत अच्छा था, इसलिए ये रेसिपी ना आप लोगों ने ज़रूर से ट्राई करनी है। और इस रेसिपी का लिंक अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना है जिसके साथ ना आप बचपन में खोए वाली कुल्फी या फिर मैंगो वाली कुल्फी खाया करते थे। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। फिर मानी ला, बाय बाय।